टाइप्स ऑफ पावर एम्पलीफायर। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पावर एम्पलीफायर। पावर एम्पलीफायर कितने प्रकार का होता है, ठीक है? तो पावर एम्पलीफायर चार प्रकार का है, क्लास ए पावर एम्पलीफायर, क्लास बी, क्लास सी और क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे क्लास ए पावर एम्पलीफायर के बारे में, जो क्लास ए पावर एम्पलीफायर क्या होता है, ठीक है? तो हम लोग देखेंगे क्लास ए पावर एम्पलीफायर के बारे में। देखिए, कहता है द पावर एम्पलीफायर इन व्हिच आउटपुट सिग्नल इज ऑब्टेंड फॉर फुल साइकिल ऑफ द इनपुट एसी सिग्नल इज कॉल्ड क्लास ए पावर एम्पलीफायर। यानी एक ऐसा पावर एम्पलीफायर जिसमें आउटपुट सिग्नल जो है इनपुट एसी सिग्नल के फुल साइकिल के दौरान प्राप्त होता है, उसको क्लास ए पावर एम्पलीफायर कहते हैं। मतलब सीधा है, जो एक ऐसा पावर एम्पलीफायर जिसमें आउटपुट जो है वो इनपुट एसी सिग्नल के फुल साइकिल के दौरान प्राप्त होता है, उसको हम क्लास ए पावर एम्पलीफायर कहते हैं। इन क्लास ए पावर एम्पलीफायर क्यू पॉइंट इज प्रेजेंट एट द मिड पॉइंट ऑफ लोड लाइन। क्लास ए पावर एम्पलीफायर में जो क्यू पॉइंट होता है वो लोड लाइन के मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु पे होता है। आप इसका डायग्राम देख सकते हैं, थोड़ा स्मॉल करके हम यहाँ पे आप लोग को दिखा रहे हैं, ठीक है? ये देखिए आपका आईसी है, कलेक्टर करंट, और ये आपका बीसीई, ठीक है? आईसी जो है आपका कलेक्टर करंट यानी आउटपुट करंट है, और बीसीई कलेक्टर एमिटर वोल्टेज जो आपका आउटपुट वोल्टेज है। अब यहाँ से हमें, ठीक है, अब ये लोड लाइन हम खींचे हैं, डीसी लोड लाइन, ठीक है? अब देखिए इसको हम बता रहे हैं आपको, ठीक है? ये हमने बीसीई ले लिया, ये हम आईसी ले लिए, यहाँ से हम मिला लिए, ये आपका मिड पॉइंट लोड लाइन हो गया, ये आपका लोड लाइन का मिड पॉइंट है, ठीक है? अदि ये लोड लाइन का मिड पॉइंट है। इस ग्राफ को हम आपको दूसरी तरह से यहाँ पे हम समझा के देते हैं। मान लीजिए इस तरह से मैंने खींच लिया है, ठीक है? ये मेरा लोड लाइन है, ठीक है? अब ये मेरा मिड पॉइंट है, ठीक है? तो हम इनपुट सिग्नल यहाँ से अप्लाई करेंगे, तो इनपुट सिग्नल तो साइनोसॉइडल होगा, कुछ इस तरह का आपका इनपुट सिग्नल होगा। तो आपको आउटपुट वोल्टेज निकालना है, तो क्या काम कीजिए, जस्ट यहाँ से थोड़ा छोटा फिगर लेते हैं, ठीक है? इस तरह से ले लिए, इनपुट सिग्नल हम यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, आपका आउटपुट वोल्टेज लेना है तो इस तरफ से खींचिए अगर आप, ठीक है? ये आपको 180 डिग्री फेज शिफ्ट देगा, तो यहाँ पे हो जाएगा। और इनपुट लेना चाहते हैं यदि आउटपुट करंट, तो आपको यहाँ से रहेगा, ठीक है? तो वही यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, स्पष्टी क्लियर है, ठीक है? इसका डायग्राम इधर आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट करंट है, ठीक है? ये आपका आउटपुट वोल्टेज है, ये आपका आउटपुट करंट है, और ये जो है आपका इनपुट करंट है, ठीक है? ये इनपुट सिग्नल है, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट, ठीक है? ये आपका लोड लाइन है, ठीक है? ये आपका आईसी है, कलेक्टर करंट, ये आपका बीसी कलेक्टर एमिटर वोल्टेज यानी आउटपुट वोल्टेज है, ये आउटपुट करंट है, और इस दोनों को मिलाने वाला ये लोड लाइन है, ठीक है? ये कोऑर्डिनेट लिखे है, इसका कोऑर्डिनेट बीसीसी बाय आरसी, इसका बीसीई बराबर बीसीसी हो जाता है। ये आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़े होंगे, ठीक है? अब ये ग्राफिकल मेथड था, रिप्रेजेंटेशन था क्लास ए पावर एम्पलीफायर का, ठीक है? अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे, डिफरेंट पॉइंट को देखेंगे। कहता वी अप्लाई एसी इनपुट सिग्नल टू द बेस टर्मिनल ऑफ द ट्रांजिस्टर, देन बेस करंट आईबी चेंजेज। कहता वी अप्लाई एसी इनपुट सिग्नल टू द बेस टर्मिनल ऑफ ट्रांजिस्टर। हम लोग ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल पे जब एसी इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं, देन बेस करंट, तब बेस करंट आईबी जो होता है वो चेंज होता है। कहता ड्यू टू चेंज इन बेस करंट आईबी, बेस करंट आईबी के चेंज होने के कारण, ठीक है,
जो आपका कलेक्टर करंट आईसी है वो भी आपका चेंज होता है। यानी यदि बेस करंट आप जानते हैं, यदि हमने बेस करंट आईबी मेरा चेंज हुआ तो आईसी बराबर फॉर्मूला होता है बीटा टाइम्स ऑफ आईबी, तो आईसी भी क्या होगा आपका चेंज होगा। कहता ड्यू टू चेंज इन कलेक्टर करंट आईसी कलेक्टर एमिटर वोल्टेज बीसीई आल्सो चेंजेस। यदि कलेक्टर करंट यदि आईसी आपका चेंज होगा तो कलेक्टर एमिटर वोल्टेज आईसी भी आपका चेंज होगा, क्योंकि कलेक्टर एमिटर वोल्टेज कलेक्टर करंट पे डिपेंड करता है। कहता है द कलेक्टर करंट आईसी एंड बेस करंट आईबी इन फेज। कलेक्टर करंट आईसी और बेस करंट आईबी जो होता है वो इन फेज होता है, बट कलेक्टर करंट आईसी एंड कलेक्टर एमिटर वोल्टेज वीसी, लेकिन कलेक्टर करंट आईसी और कलेक्टर एमिटर वोल्टेज वीसी आउट ऑफ फेज होते हैं 180 डिग्री से। इसलिए हम डायग्राम यहाँ पे दिखाए होंगे, तो देखिए इनपुट करंट जो था उससे 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है आपका आउटपुट वोल्टेज, लेकिन आपका जो आउटपुट करंट कलेक्ट जो आया है वो आपका सेम फेज आया है। ठीक है, जो इनपुट करंट आईबी का जो सेम फेज है वही फेज यहाँ है। आगे है द क्लास ए पावर एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर इज ऑलवेज ऑन बिकॉज इट ऑपरेट इन एक्टिव रीजन। देखिए क्लास ए पावर एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर जो है वो ऑलवेज ऑन हमेशा ऑन रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो है एक्टिव रीजन में ऑपरेट होता है, तो एक्टिव रीजन में ऑपरेट होने के कारण क्लास ए ठीक है पावर एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर जो है वो हमेशा ऑन रहता है। इन क्लास ए पावर एम्पलीफायर, क्लास ए पावर एम्पलीफायर में कंडक्शन एंगल इज 360 डिग्री। कंडक्शन एंगल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। बिकॉज कलेक्टर करंट आईसी इज ऑब्टेंड, क्योंकि कलेक्टर करंट आईसी जो होता है इज ऑब्टेंड फॉर फुल साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल, क्योंकि कलेक्टर करंट आईसी इनपुट सिग्नल के फुल साइकिल के दौरान प्राप्त होता है, इसलिए इसका कंडक्शन एंगल 360 डिग्री का होता है। क्लास ए एम्पलीफायर प्रोड्यूस लो डिस्टॉर्शन एमोंग ऑल पावर एम्पलीफायर। क्लास ए एम्पलीफायर जो होता है वो सभी एम्पलीफायर के तुलना में लो डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस करता है, क्योंकि ये 360 डिग्री इसका कंडक्शन एंगल होता है और फुल इनपुट साइकिल के दौरान आउटपुट उत्पन्न करता है, इसलिए इसके आउटपुट में इनपुट के कंपेयर में डिस्टॉर्शन कम होता है। सभी एम्पलीफायर में कंपेरिजन करें तो क्लास ए एम्पलीफायर में डिस्टॉर्शन सबसे कम होता है। क्लास ए एम्पलीफायर प्रोड्यूस मोर हीट। क्लास ए एम्पलीफायर बहुत ज़्यादा हीट उत्पन्न करता है, सो लॉस ऑफ एनर्जी इज मोर, इसलिए एनर्जी का लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है। सो इफिशियंसी ऑफ क्लास ए एम्पलीफायर इज वेरी लो, इसलिए क्लास ए एम्पलीफायर का जो इफिशियंसी होता है वो बहुत लो होता है, कम होता है। इफिशियंसी ऑफ डायरेक्टली कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर इज 25%। डायरेक्टली कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर का इफिशियंसी 25% होता है एंड 50% फॉर ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर, और ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर का इफिशियंसी 50% होता है। एडवांटेज ऑफ क्लास ए पावर एम्पलीफायर, तो क्लास ए पावर एम्पलीफायर का जो एडवांटेज है वो पहला है सिंपल कंस्ट्रक्शन। क्लास ए पावर एम्पलीफायर का कंस्ट्रक्शन बड़ा ही आसान होता है। दूसरा पॉइंट जो है वो लो डिस्टॉर्शन, इसमें डिस आउटपुट में इनपुट के रिस्पेक्ट में बहुत कम चेंजिंग होता है, जिसके कारण डिस्टॉर्शन वेरी लेस होता है, बहुत कम होता है। डिसएडवांटेज ऑफ क्लास ए एम्पलीफायर, पहला बात जो भैया एकर इफिशियंसी बहुत कम होला, दूसरा इसमें हीट बहुत ज़्यादा उत्पन्न होता है जिसके कारण से लॉस बहुत ज़्यादा होता है। एप्लीकेशन ऑफ क्लास ए पावर एम्पलीफायर, क्लास ए पावर एम्पलीफायर का यूज ऑडियो एम्पलीफायर में किया जाता है, आरएफ फिल्टर वगैरह में भी इसका यूज किया जाता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी फिल्टर में क्लास ए पावर एम्पलीफायर का यूज किया जाता है। यदि आप
इलेक्ट्रॉनिक्स का, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स का टोटल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लीज प्लेलिस्ट पे जाके, ठीक है, सारा वीडियो देख सकते हैं। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे हर एक नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ताकि आसानी से पहुंच जाए।